अस्सलाम असल उम्मीद है आप लोग खरीय से होंगे यूट्यूब uh, चैनल पे मेरा नाम है रियाज नदीम आज हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 43 से 49 तक करेंगे आज का बुनियादी जो काम है वो एक तो ये है कि मेकिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू अदरस एक तो डायरेक्ट कोई ऑनर बनता है उसका सेक्शन और है 42 में बताया गया फोर्टी थ्री में बताया जा रहा है कि अगर कोई बंदे को डायरेक्ट राइट नहीं मिल रहा यानी नॉर्मल राइट उसकी तरफ ट्रांसफर नहीं हो रहा किसी और तरीके से हो रहा है फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएशन ऑफ एंट्रीज एंड रिकॉर्ड रिकॉर्ड को वेरी नहीं किया जा सकता उसमें चेंजेस नहीं हो सकती अदर देन ये दो तीन शराय लिखी हुई है म्यूटेशन फीस जो है वो किस तरह से कंसिडर होगी कौन देगा और किस तरीका कार के तहत देगा फिर जब किसी का रिकॉर्ड प्रिपेयर होगा या कोई डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व होगा या कोई केस जो है वो सुना जाएगा तो उसमें डॉक्यूमेंट्स देने का और डॉक्यूमेंट्स के एक्नोलिजमेंट का ये मामला यहाँ पे बताया गया फिर पेनल्टी है अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करता तो उसको जुर्माना किया जाएगा ठीक है और उसके बाद है कि जो किसी भी कानून के तहत किसी भी कस्टम के तहत किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के तहत किसी की भी जमीन हो लेकिन अगर वहां से निकल आई या मिनरल्स तो वो होंगी गवर्नमेंट की इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है कि कौन कौन सी चीज निकलेगी तो वो फेडरल गवर्नमेंट की होगी और इसके अलावा जो चीजें निकलेंगी वो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की होंगी तो चलेंगे इसको स्टार्ट करते हैं देखते हैं जी 43 सेक्शन मेकिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू अदर अदरस अदर परसन का क्या मतलब एक तो डायरेक्ट ऑनर हो गया ना इनहेरिटेंस से आ गया uh, किसी को लैंड का हिस्सा या फिर परचेज कर लिया उसने एक तो डायरेक्ट ऑनर है इसके अलावा अब उसने क्लियरली लिख दिया कि द एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड

ठीक है, एज ऑनर या फिर टेनेंट के तौर पे, टर्म वन ईयर से ज्यादा हो ठीक है इस तरह का रिकॉर्ड तो एंटर होगा इस तरीके से इसके अलावा 43 थ्री के तरीकाकार से दर्ज होगा देखिए वो कैसे इसमें नॉर्मल के अलावा हक में कोई जमीन आ गई है किसी को कोई दूर के रिलेटिव से कोई हिस्सा आ गया है या फिर कोई और इस, इसके अलावा यानी ये नॉर्मल जितना भी ट्रांसफर था या जितना भी इंतकाल था उसके अलावा जो भी है अगर तो उस हिस्सा में कोई बंदा अनडिस्प्यूटेड है जिसने क्लेम किया उसके अलावा किसी और ने क्लेम नहीं किया तो डायरेक्टली अनडिस्प्यूटेड को पटवारी साहब जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेके प्रेस्क्राइब मैनर के तहत दर्ज कर लेंगे अगर वो डिस्प्यूटेड है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी कार्रवाई कौन सी होगी ये इसी सेक्शन में 42 के 6 से 11 जो सब सेक्शंस हैं उनमें सारी कार्रवाई बताई हुई है कि तहसीलदार साहब किस तरह से कोर्ट या किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करेंगे और किस तरह से ऑर्डर पास करेंगे कितनी देर में वो कलेक्टर साहब को बताएंगे वगैरह वगैरह ये सारा मामला वहां पे दर्ज है ठीक है अच्छा उसके बाद है 43 सब सेक्शन 2 इफ अ पर्सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन लैंड अदर देन अ राइट रेफर अच्छा जिस तरह से 42 में अंदराज का तरीका नॉर्मल राइट का अंदराज का तरीका और ये अदर देन नॉर्मल इसी तरह अराजी रिकॉर्ड सेंटर में नॉर्मल राइट्स तो जो हैं वो तो 42 ए में दर्ज हो गए इसके अलावा जो हैं वो इस तरह से दर्ज होंगे कि वहां पे तो ये था ना 42 ए में था कि बंदा खुद जाएगा वहां पे दर्ज करवाने ठीक है यहां पे दिया गया है

रिवाइज करना है किसी रिकॉर्ड को या कोई इंक्वायरी हुई है उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास हुआ है या किसी भी तरह से कोई चीज जब रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जानी है उसमें अगर डिस्प्यूट राइज हो गया है किसी भी किस्म का राइट्स को या डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स को लेकर तो उसमें क्या होगा रेवन्यू ऑफिसर मे ऑफ हिज ओन मोशन या तो वो सोमोटो लेगा ले भाई ये वाला जो मसला है इसको इस तरह से नहीं हो, किया जाएगा इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होगी या कार्रवाई होगी या फिर कोई बंदा उसको आगे application देगा और आर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी इंटरेस्टेड ठीक है अच्छा बट लेकिन याद रखिए ये जो डिटर्मिनेशन uh, होगी या डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व या मैटर को सॉल्व किया जाएगा इसके तहत कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं 45 में दी हुई उनको मद्देनजर रखना जरूरी होगा ये यह यहां ही बता दिया गया अच्छा उसके बाद है जी इस मैटर को रिजॉल्व किया जाएगा और रीजन लिखकर इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा 42 क्या कहती है 44 की सबसेक्शन 2 इफ इन एनी सच डिस्प्यूट किसी भी मामले में रेवेन्यू ऑफिसर इज अनेबल टू सेटिस्फाई अगर उसको समझ नहीं आ रही कि मामला किस तरह से है ये जमीन किसका किसकी मलकियत है तो फिर वो क्या करेगा अगर तो वो रेवेन्यू ऑफिसर असिस्टेंट कलेक्टर या इससे अब है तो वो खुद ही पार्टीज को बुलाकर सुनेगा और ऑर्डर पास करेगा और अगर वो असिस्टेंट कलेक्टर से बिलो रैंक है तो वो अपने असिस्टेंट कलेक्टर साहब को रिपोर्ट करेगा कि साहब इस मामले को देखिए ठीक है नंबर थ्री क्या है इन सारी चीजों को साइड पे रख दें अब डायरेक्शन अगर कोई डायरेक्शन आती है सबसेक्शन टू के तहत ठीक है

अगर बाद में ऑर्डर पास करती है तो फिर इसको माना जाएगा इस चीज को या इसके तहत जो इंक्वायरी करवाई गई इसको नहीं माना जाएगा दिस इज वेरी सिंपल बाद में जो अदालत का मामला तय होकर आता है सारे रिकॉर्ड उसके तहत हो जाते हैं 45 क्या है कि रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएशन ऑफ एंट्रीज इन द रिकॉर्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है उसमें चेंजेस नहीं हो सकती अदर देन दीज मैटर्स एंट्रीज इन रिकॉर्डिकल रिकॉर्डिशन थ्री के तहत में बताया गया था ना कुछ अनडिस्प्यूटेड होंगी ये वाली इस तरह की ठीक है और कुछ डिस्प्यूटेड होंगी डिस्प्यूटेड तो बाद में कोर्ट में भी जाएंगी फलाम जो भी होगा लेकिन जो अनडिस्प्यूटेड है उनके अलावा देखिए एक्सेप्ट एंट्रीज मेड इन विद रिस्पेक्ट टू और इंटरेस्ट अंडर दिस शेल नॉट बी वेरिड जिसके ऊपर मसला ही कोई नहीं है जिसका झगड़ा ही कोई नहीं है वो कभी भी चेंज नहीं होगा अदर देन इसमें भी तीन चीजें आ गई देखिए जरा मेकिंग एंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद फैक्ट प्रूव्ड और एडमिटेड जमीन दो बंदों में तकसीम हो गई थी बाद में दोनों ने मान लिया या उनमें से एक ने मान लिया कि भाई मेरे वाली में एक हिस्सा किसी और का भी है या फिर दोनों पार्टीज ये एग्री हो कर गई कि ये तीसरे बंदे का भी एक हिस्सा था या फिर अदालत से तीसरा बंदा कोई चीज लेके आ गया ठीक है तो फिर भी चेंजेस होंगी नंबर थ्री चेंज यह कि गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू के लिहाज से कोई नया मैप बनाने बैठती है तो उसमें भी अगर उस मैप को की न्यू जो पॉलिसी है उसके तहत अगर किसी लैंड को में बनाना पड़ता है या उसके अंदर कोई चेंजेस करनी पड़ती है, है।, है उसके मैप के अकॉर्डिंग फिर बारे में है इंतकालत हुए ना एंड सेक्शन फोर इनके तहत जो मामला तय हो रहे हैं द बोर्ड ऑफ रेवन्यू मे फिक्स द स्केल ऑफ फीस फॉर एन एंट्री इन रिकॉर्ड और रजिस्टर अंडर बोर्ड ऑफ रेवन्यू तय करेगा जो भी है और अगर जो फीस है म्यूटेशन की वो सर्टन परसेंटेज रखी जाती है ठीक है यानी सेवन पॉइंट फाइव है कहीं किसी प्रोविंस में टू पॉइंट फाइव है ये टोटल जो वैल्यू होती है ना लैंड की उसके हिसाब से इंतकाल की फीस होती है। अच्छा वेयर द स्केल स्केल ऑफ म्यूटेशन फी इज एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ़ द कंसीडरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड अब मामला आ गया कि जब लैंड की वैल्यू के हिसाब से करना है इसकी परसेंटेज लेनी है तो इसको डिटर्मन कौन करेगा द कंसीडरेशन और वैल्यू ऑफ द लैंड शैल बी देखिए जरा कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द कलेक्टर की तरफ से ना हर डिस्ट्रिक्ट का जो है ना एरिया के लिहाज से उसका चार्ट जो है वो जारी होता है और लोकलिटी जिस भी लोकल जिस भी लोकैलिटी में है तो ये स्टैम्प एक्ट एटीन के तहत उतने ही पैसों का स्टैम्प पेपर बनाया जाता है जितनी उसकी फीस होती है ठीक है नंबर सब सेक्शन है कि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ़ ऑफ़ इन वही पे करेगा अच्छा द पंजाब लैंड अथॉरिटी लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी स्टेब्लिश ये जो है वो अपनी फीसें अपने हिसाब से ठीक है म्यूटेशन एंड फी प्रोविजन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी एंट्रीज वो देगी मे फिक्स वो खुद उसके अकॉर्डिंग इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये वाली अथॉरिटी फिक्स कर सकती है ठीक है फोर्टी सेवन क्या है अब मैटर अगर सुना जाना है कोई मामला सुना जाना है तो उसके अंदर ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन इज ने फॉर द प्रेपरेशन ऑफ रिकॉर्ड अगर कोई मामला सुना जाना है तो जिस बंदे का इंटरेस्ट है जिस बंदे का किसी मामले में इंटरेस्ट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स देगा जिसने एप्लीकेशन दी है या जिसका राइट बन रहा है जिसने बात की है कि भाई ये लैंड मेरी है तो उसके ऊपर जो जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो देगा ठीक है इंस्पेक्शन के लिए रेवेन्यू अफिसर जो हैं वो रिसीव करेंगे नंबर टू कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है जिसको वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए हैं वो अः एक्नोलमेंट देंगे ठीक है एक्नोलमेंट वसूली को कहते हैं वसूली यानी आप आ, ये डॉक्यूमेंट वसूल कर लिए गए हैं ठीक है फला डेट को इसने जमा करवा दिए सिग्नेचर होंगे उसके ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर के ठीक है अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट्स नहीं देता देखिए 48 पेनल्टी बताने लगा कि अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट्स नहीं देता थ्री मंथ तक ऐसे लारे लप्पे लगा रहा है कि भाई मैं दे देता हूँ मैं दे देता हूँ कोर्ट का यानी रेवेन्यू कोर्ट का और रेवेन्यू अफसरान का टाइम जया कर रहा है तो जनाबे वाला उसको ये 47 में यानी इसमें जो उसने डॉक्यूमेंट्स देने थे वो नहीं दिए तीन महीने तक उसका वेट किया गया उसने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए ठीक है और जनाबे वाला उसको पांच सौ रुपया फाइन हो सकता है पांच सौ रुपए तक ठीक है नंबर टू सब सेक्शन इसकी क्या है कि इफ अ पर्सन एक्वायर्स अ राइट थ्रू अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी शेल इन द प्रेस्क्राइब मैनर मेक अ रिपोर्ट ऑफ द एक्विजिशन वो जो रजिस्टर यानी कि रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वो बताएगी पटवारी को या फिर अराजी रिकॉर्ड सेंटर को कि ये जमीन इसकी है ठीक है नंबर फोर्टी नाइन ये गवर्नमेंट के मुतल चले फोर्टी नाइन कर लेते हैं आगे फिर नेक्स्ट में देखेंगे देखे, अक्रम बंदे की जमीन है असलम की है फलां की है अफला की है उसके बाद उनके बच्चों को चली गई उसके बाद उनके बच्चों को इसके पोतों को चली गई साठ साल के बाद वहां से जनाब को मिनरल निकल आई हकूमत कहती है लॉ कहता है गवर्नमेंट का लॉ कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग टू द कॉन्ट्रेरी कोई भी चीज आड़े आ जाए कोई कानून हो कोई आर्डर हो कोई डिक्री हो कोई अथॉरिटी या कोई कस्टम हो भाई वह अगर वहां से माइंस या मिनरल निकल आई तो वो हकूमत की होंगी दुनिया का कोई कानून इस चीज को नहीं बदल सकता और ये कब तक होंगी देखिए <स्याँग> अच्छा ये देखिए

या फिर माइन मिनरल ऑयल है ये जो कुदरती तेल निकलता है या नेचुरल गैस है तीन चीजें ये अगर होंगी तो ये फेडरल गवर्नमेंट की हिस्से में आएंगी उसकी प्रॉपर्टी होगी इसके अलावा कोई साल्ट हो गया कोई इसके अलावा लोहा तांबा पितर वगैरह इस किस्म की चीजें जो थी ना वो यहाँ पे पंजाब लिखा हुआ ना यानी यानी ये जिस भी सूबे की होंगी में निकलेंगी जिस भी सूबे की लैंड में होंगी ये उसकी होंगी ठीक है तो उम्मीद है आज जो हमने किया है Uh, 43 से 49 तक इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी याद रखिए मेहनत आपने करनी है हम जितना uh, कोशिश कर सकते हैं इसको सिंपल करके आप तक लाने की टाइम निकाल के uh, जैसे भी है मैनेज कर रहे हैं आगे काम आपका है कि आपने इसको समझना है और आगे uh, प्रिपेयर करके कोई नोट्स बना के या इसको कंपाइल करके रखना है और उन तमाम लोगों तक भी पहुंचाना है जो भारी फीसें भर के इधर फिज़िकल एकेडमीज़ या ऑनलाइन एकेडमीज़ ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप इस मामले में हमारा साथ दीजिए कि हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन और एक क्वालिटी का सेशन लेके आए हैं तो तमाम उन लोगों तक इन चीज़ों को लाजमी पहुँचाएं जो भारी फीसें देकर इस चीज़ की तैयारी इस टेस्ट की तैयारी नहीं कर सकते आसानियाँ पैदा कीजिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए हमें दौ में याद रखिए अल्लाह ने